एवरीवन, तो आपके साथ बहुत दिनों के बाद मैं कोई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो मैं डेली बना रही हूँ अभी घर में, इसको मिक्स वेजिटेबल सूप बोल लीजिए या टमाटर गाजर और पालक का सूप। तो इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो 300 ग्राम ये टमाटर हैं। इसमें हाइब्रिड और देसी दोनों टमाटर का मिक्स लिया है, तो उससे टेस्ट एक बहुत अच्छा आता है। तो 300 ग्राम टमाटर है, तो करीब 125 ग्राम गाजर और पालक है इसमें। तो इसके लिए और थोड़ा सा बटर या घी कुछ भी ले लीजिए, सॉल्ट टेस्ट के मुताबिक, लहसुन अदरक क्रश किया हुआ और काली मिर्च है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कुकर को गैस पे रख दिया है और इसमें मैं 1 टीस्पून घी का, थोड़ा सा, 1 या आधा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लिया है। घी मेरा हो जाएगा, तो इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो लहसुन अदरक ऐसा मेरा क्रश किया हुआ है वो डालती हूँ मैं। इसको अच्छे से थोड़ी सी देर, तकरीबन 30-40 सेकंड इसको इसके अंदर घी में हम इसको भून लेते हैं। इसके बाद मैंने एक और चीज़ इसमें करी है कि मेरी ये जो काली मिर्च है ना, इसको भी फ्रेशली आप क्रश किया है, क्योंकि हम इसका टेस्ट अलग ही होता है। तो ये 1 टीस्पून काली मिर्च लेके इसको भी मैंने क्रश करके इसमें मैं डाल दूंगी। और जब ये मेरा हो जाता है तो इसमें फ्रेश पालक और जो भी मेरी सब्जियां, मैंने तीनों वेजिटेबल ली है, वो डालकर और फिर कुछ सेकंड के लिए इसको फ्राई करेंगे हम इसमें सब चीज़ों को एक साथ। ये देखिए, इसमें सॉल्ट डाल दूंगी टेस्ट के मुताबिक आप। क्या है, फ्राई हो गए हैं थोड़ी सी देर, मैंने 1 मिनट के करीब कर लिया है। और फिर इसमें 1 ग्लास के करीब में पानी डाल के और इसमें 2 सीटियां लगाऊंगी। 2 सीटियां लगाने के बाद फिर इसको हम ओपन करेंगे। पानी डालते हैं। ये मेरा कुकर भी मैंने अभी नया ही लिया है, विनोद का है ये, और बहुत अच्छी सर्विस है इसकी। और इसके विनोद के तो प्रोडक्ट अल्टीमेट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरे कुकर में जो है 2 विसल आ चुकी है, और उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था और ठंडा होने दिया था, और अब ये ठंडा हो चुका है। मैंने ओपन किया इसको और ये अब देख रही हूँ ये बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं मेरी सारी वेजिटेबल्स। तो मैंने एक मिक्सर का जार लिया है जिसमें कि सारा मैं डाल के और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। और उसके बाद देखिए आप, वेजिटेबल्स जो हैं वो ग्राइंड हो चुकी हैं, और अब इसको मैंने ओपन करके फिर से एक बार इसको कुकर में डाल दूंगी। अब कंसिस्टेंसी इसकी देख लेते हैं हम कि ये ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं। इस पॉइंट पे कई लोग इसको छान लेते हैं, तो आप अगर छानना चाहते हैं तो आप छान सकते हैं, अदरवाइज फाइबर रहता है तो मैं तो ऐसे ही यूज़ करती हूँ। तो थोड़ा इसका ये थिक था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, इसको बॉईल करूँगी। अब हम इसके टेस्ट को और हमको इन्हांस करना है, तो इसमें मैंने एक छोटी जो टिकिया है ये बटर की है ये डाल रही हूँ मैं। और नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा कि नमक आपका कम तो नहीं, अगर इस पॉइंट में नमक कम लगता है तो डाल दीजिएगा। और ये भुना हुआ पिसा ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून मैंने भुना हुआ पिसा ज़ीरा डाला है। थोड़ा सा सॉल्ट कम है तो थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल रही हूँ मैं, और काली मिर्च और कम है तो ये थोड़ी सी मैं इसमें काली मिर्च डालूंगी। अच्छे से इसको हिला के और पका लेंगे थोड़ा सा और इसको, और जब पक जाता है तो ये सर्व होने के लिए रेडी है। आप बढ़िया इसको सर्व करिए। तो अब ये जो हमारा सूप है ये रेडी है खाने के लिए, और आप अपने गेस्ट को सर्व कीजिए, खुद खाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।